अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगी कि वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जी, आज जुमा है, आप सभी को मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि मेरे एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब कथनी करनी में अंतर होता है तो इसका मतलब साफ है, आप लोग समझ जाएं कि वो ब्लॉगर झूठा है। लेकिन मुझे आज मेरी कही हुई बात ही मुझे गलत लग रही है। वो इसलिए कि बाजी के जो चमचे हैं वो बाजी की गंदगी पर, बाजी की गंदगी में बाजी को माशाल्लाह बोलते हैं, और मेरी सच्चाई पर मुझे लड़ाकू औरत, झगड़ालू औरत कहा जाता है। अब आप बताइए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बाजी के जो चमचे हैं वो सच्चाई जानना नहीं चाहते, उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है कोई मतलब नहीं है। बाजी के चमचे बिल्कुल बाजी की तरह ही है, वो बाजी की तरह ही घर बिगाड़ने वाले, ससुराल को तोड़ने वाले, अकेले रहने वाले इस तरीके के ही हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले, जैसे बिल्कुल बाजी है ना, ठीक वैसे ही उनकी सोच भी ठीक उसी तरीके की है। और यही बची रही है कि बाजी की हिस्ट्री खुलने के बाद भी ये लोग बाजी को सही मानते हैं और मुझे गलत मानते हैं। खैर, मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना है, मुझे जो सच्चाई लोगों के सामने लानी है वो तो मैं लाती रहूंगी, ला भी रही हूं। और तो और ढिंडोरा पीट रहे हैं इस तरीके से कि हम बाजी के ब्लॉग 3 साल से देख रहे हैं। अरे, तुम बाजी के ब्लॉग 3 साल से देख रहे हो? इंसान को तो हम जज देखिए 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर ही जज कर लेते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है। तो तुम 3 साल में तुम्हारी बाजी को नहीं परख पाए कि इतने टाइम से वो झूठ बोल रही है व्यूज के लिए, और इतने टाइम से देखिए बात पर पलट जाती है, अपनी कही हुई बात से ही पलट जाती है। आज जो बात कहती है अपने अगले ब्लॉग में जाकर उस बात से पलट जाती है कि नहीं, ये बात नहीं थी, बात ये है। ये सब वो किस लिए कर रही है? ये सब वो व्यूज के लिए कर रही है। अब आप देखिए, अभी कुछ टाइम पहले अपने एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम लोग ससुराल जा रहे हैं, हम लोग शिवपुरी जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही कहा था कि हम लोग शिवपुरी जा रहे हैं। उस वीडियो के कुछ कमेंट्स मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखे हैं, आप उन कमेंट्स को पढ़िए। और यहां पर देखिए, आपको दो तरीके के कमेंट्स मिलेंगे। पहले कमेंट्स में तो साफ झूठ कहा गया है कि हमारा जो ससुराल का घर है उसमें किराएदार रख रखे हैं हमने, जो कि सरासर झूठ था। जबकि वो घर इन्होंने जब से छोड़ा था, जब से उस शिवपुरी वाले घर पर ताला लगा हुआ था। अब मैं अपनी दूसरी बात पर आती हूं। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शिवपुरी वाले घर पर मेरे चाचा ने स्टे लगा रखा है, और ये बात मुझे चाचा ने ही बताई थी कि हम लोगों ने स्टे लगा रखा है। अब देखिए, मुझे गलत साबित करने के लिए बाजी चाल चलती है, मुझे गलत साबित करने के लिए बाजी कहती है कौन से चाचा, कैसे चाचा, हमारे तो कोई चाचा ही नहीं है। और जब चाचा ही नहीं है तो फिर मकान पर स्टे कैसे लगेगा? अब आप ही बताइए। जबकि कुछ टाइम पहले रोशनी के, जो रोशनी खान है, उनसे जब इंस्टा पर बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि घर पर स्टे साइन आने लगवाया है। अब ये देखिए बाजी किस तरीके से पत्ते पत्ते पर गुलाट खाती है, पल में तोला पल में माशा, किस तरीके से बाजी को अच्छी अच्छी बातें बनानी आती है, बातों को घुमाना, गोलमाल करना, किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से बाजी को आता है। ये तो बाजी की ट्रिक है, ये बाजी की पॉलिसी है, ये पॉलिसी वो काफी टाइम से चल रही है अपने साथ। अब मैं वापस अपनी बात पर आती हूं, और बाजी के जो चमचे हैं, बाजी के चमचों से सवाल करती हूं कि तुम लोग भूल गए कि तुम्हारी बाजी ने अपने खुद के वीडियो में, शादी के वीडियो में बताया था कि ये मेरे चाचा ससुर हैं, ये मेरी चाची सास हैं, और ये उनकी बहू है जो मेरे हस्बैंड के काजल लगा रही है, खुद के शादी के वीडियो में बताया, क्या भूल गए?
या तुम्हारी याददाश्त भी तुम्हारी बाजी की तरह बिल्कुल कमजोर हो गई है? बताओ मुझे। बाजी के चमचों से ही मैं कहती हूँ कि बाजी जो कुछ भी कर रही है, जितना भी झूठ बाजी बोल रही है, वो तुम्हें खुश करने के लिए बोल रही है। जितना भी वो अपनी बातों से पलट रही है, उसका मकसद एक है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो चमचे हैं, बस वो मेरे आगे पीछे घूमते रहें और मैं उन्हें खुश करती रहूं किसी भी तरीके से करूं। इसलिए वो झूठ भी बोलती है तो तुम्हें खुश करने के लिए बोलती है, और रिश्तों का जो मजाक बाजी ने बना रखा है वो तुम्हें खुश करने के लिए बना रखा है, ताकि तुम लोग खुश रहो और आ आकर मेरी बुराइयां करते रहो, मुझे भला बुरा कहते रहो कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, और साथ में मुझे बहुत सारी गालियां आए। ये सब वो बाजी इसलिए कर रही है, ये सब मुझे पता है, सब पता है कि बाजी किस तरीके से चालें चलती है और क्या क्या चालें चल रही है बाजी। बाहरे बाजी के चमचों और उनकी चमचागिरी, दांत तो देनी पड़ेगी मुझे बाजी की सच्चाई की। क्या क्या सच्चाई बताई है बाजी ने, दांत तो देनी पड़ेगी। टाइटल डाला है अब मैं जवाब दूंगी, व्यूज बटोरने के लिए। इस तरीके से बाजी व्यूज तो बटोर लेगी लेकिन सच्चाई नहीं बता पाएगी। मैं बता देती हूँ क्यों नहीं बता पाएगी सच्चाई। सच्चाई इसलिए नहीं बता पाएगी क्योंकि बाजी एक सच्ची औरत नहीं है, बाजी एक नंबर की झूठी औरत है, इसलिए सच्चाई नहीं बता पाएगी। बाजी ने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए अपने ससुराल के रिश्तों को तितर बितर कर दिया, अपने ससुराल के रिश्तों को उखाड़ फेंक दिया, तोड़ दिया अपने ससुराल के रिश्तों को, इसलिए वो कभी नहीं बता पाएगी। और मैं यहां पर चैलेंज करती हूं बाजी को कि मेरे खिलाफ सबूत लाकर बताए, मुझे झूठा साबित करके बताए। मैंने तो बताया है और इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूंगी, और अभी तक मैं जितना भी आप लोगों को देखी, आप लोगों को बताती रही हूं बाजी की सच्चाइयां, तो वो तो 1% सच्चाई भी मैंने आपको नहीं बताई। अभी तक जो मैं बताती आई हूं आपको, वो केवल मैं मुंह से बोल बोल कर ही बताती रही हूं, जबकि जो सबूत है, असली सबूत, वो तो मैं अभी आप लोगों के सामने ही लेकर आई हूं। और अभी तक मैंने जो सच्चाई बताई है, ये देखिए, फिर भी उसकी बौखलाहट से उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, लोग देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है बाजी की। और देखिए, वीडियो में उसके भोले चेहरे को देखने के बाद, अगर आप उसकी सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो वीडियो में उसके भोले चेहरे को देखने के बाद उसके शॉर्ट्स वीडियो जाकर देखो, आप लोगों को सब पता चल जाएगा, बाजी की सच्चाई साफ नजर आ जाएगी, बिल्कुल साफ दिखेगी कि क्या बाजी की सच्चाई है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगी कि बाजी की बात पर माशाल्लाह करने की बजाय आप बाजी के हर व्लॉग में जाकर देखें कि किस तरीके से हर व्लॉग में बाजी अपनी बात पर पलट रही है, अपनी बात को ही पलट देती है। पहले व्लॉग में कुछ और बात करती है, दूसरे व्लॉग में बात को गोलमोल घुमाकर दूसरी बात कर देती है और अपनी बात से ही पलट जाती है। तो यह है बाजी की सच्चाई का सबूत। लोग उसके मायके से और उसके ससुराल से कंपेयर करके देख लें उसकी मोहब्बत को, तो आपको पता चल जाएगी बाजी की सच्चाई कि बाजी कितनी सच्ची है, बाजी की बातों में कितनी सच्चाई है। और हाँ, जो लोग बाजी की सच्चाई को जानते हैं, जान गए हैं और बाजी को इसके बाद भी सच मानते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए यही कहूंगी कि वो लोग मुझसे चिढ़ते हैं और मुझे हमेशा ही गलत मानते रहेंगे। चाहे मैं उनके सामने कितने भी दुनिया भर के सबूत लाकर रख दूं ना, तब भी वो यही कहेंगे, नहीं हमारी बाजी सच्ची है, क्योंकि वो बाजी के सच्चे वफादार है। होते हैं ना कुछ सच्चे वफादार, सच्चे मुरीद, तो वो बाजी के सच्चे मुरीद है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, जिनकी की अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं, जिनकी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हें कभी समझ में भी नहीं आएगा। और देखिए, जो आंख रहते हुए भी अंधे बने हुए हैं, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि वो जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं, जानबूझकर सच को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो सच्चाई जानने ही नहीं चाहते हैं। तो मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे व्यूवर्स से मतलब है। मुझे जो सच्चाई बतानी होगी मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगी, जैसे हमेशा बताती आई हूं। और एक बात और, जैसे कि मैं पहले भी इस चीज को कह चुकी हूं कि जो सच्चाई जानना नहीं चाहता वो मेरे वीडियोस ना देखे, मुझे जो कहना होगा मैं वो कहती रहूंगी, जैसे कि हमेशा सच्चाई उनके सामने लाती रही हूँ किसी ना किसी तरीके से। और हाँ, एक बात हो, मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक सिटी से ये दूसरी सिटी में भागम भाग का जो गेम खेल रहे हैं, वो ये इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये मकान बेचने के जुगाड़ में है, बस किसी भी तरीके से मकान बिक जाए, यही गेम इनका भी चल रहा है। तो मुझे देखिए, पहले भी उस मकान से कोई मतलब नहीं था, अब भी इस मकान से कोई मतलब नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है, मकान को बेचो या मत बेचो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
और जैसे कि चाचा चाची की शख्सियत को नकारा जा रहा है ताकि शिवप्री छोड़ने की कोई नई कहानी बनाई जा सके और उसकी नींव रखी जा सके। मुझे किसी ने बताया है कि ये कहा है कि बिना वजह कोई मकान नहीं छोड़ता, तो ये एक तरीके का इन्होंने चबूफा छोड़ा है। इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी जो आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि ये कहानियां बनाने में माहिर है। कोई ना कोई कहानी अपने मन से बनाते रहते हैं और देखिए लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। तो ये कहानी भी आप लोगों के सामने आ जाएगी किसी ना किसी दिन। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वीडियो में आकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बाजी झूठ बोलती है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और देखिए झूठ बोलते बोलते कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। कहते हैं ना कि हम किसी काम को अगर करते हैं बार बार तो उस काम की आदत सी पड़ जाती है, तो बस यही बाजी की आदत में जब झूठ बोलती है ना तो बाजी के फेस पर जरा सी भी शिकन नहीं होती कि मैं ये चीज झूठ बोल रही हूँ, जबकि झूठ बोलने वाले के फेस पर थोड़ी सी शिकन नजर आती है। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं आती क्योंकि झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ना। अब तो देखिए हैबिट में आ गया है झूठ बोलना, लोगों को मिसगाइड करना। तो बस इसी तरीके से लोगों को मिसगाइड किया जाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला जाता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे आप लोगों से कहना था, चाचा है मेरे और मेरे पापा के एक ही भाई है। मेरे पापा के जो भाई है वो टीचर है और पापा पटवारी थे जैसे कि, तो उनके एक ही भाई है। आप लोगों ने कहा, कमेंट भी आया था, मैंने रिप्लाई भी दिया था। ऐसा नहीं है कि चाचा चाची मेरे नहीं है, उनका वजूद ही खत्म कर दिया लोगों ने। तो ये देखिए झूठ के लिए ये लोग कितना गिरेंगे, चाचा चाची का वजूद ही खत्म कर दिया कि चाचा चाची ही नहीं है। हाँ सही बात है, जिन्हें अपने खून के रिश्तों की कदर नहीं है वो चाचा चाची की क्या कदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं ले लेती हूँ कुछ विवश के नाम जिन्होंने दुआएं कराई हैं। पहले मैं बर्थडे विश कर देती हूँ। कल 10 मार्च थी, कल बर्थडे थी सलमा जी की, इजहार अहमद जी की, हुसैनी परमार जी की, शेख मुश्ताक जी की जो बहन है उनकी बेटी का बर्थडे था। तो आप सभी को मेरी तरफ से यौमे पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, कामयाबी आपके कदम चूमे, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी गम ना आए, आपकी सुबह कामयाबी भरी हो और रातें मुरादों भरी हो, और आप दिन दूरी और रात चौगुनी तरक्की करें। और अब मैं ले लेती हूँ कुछ विवश के नाम जिन्होंने दुआएं कराई हैं। एक तो है सालिया, खुशबू भी, आयशा, उमर, माधवी, गुलक्षा, रुबीना, आयशा, सोनम, शमीरा, मोहम्मद सुलेमान, अफसा सऊद, सुमायरा, मोहम्मद मोहसिन, मोइनुद्दीन, रेहान, शाहिन सलीम, ट्राई न्यू थिंक, मोहम्मद अकमल, मुमताज बेगम, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, एडवेंचर, लोडा, आफरीन, सिद्रा, परमजीत कौर, तबस्सुम फातिमा, शमीम बानो, जावेद अंसारी, यासमीन, कामिनी, उर्फा खान, फराना खान, अंजुम बेगम, हजिया इमरान, अलीशा मलिक, रेशमा खान, सिद्रा सईद, दियू, सहाना, फसिया, यास्मीन, नाहिद अमरीन, निक्की, मोहम्मद राशिद, सगुप्ता, हबीबा, आबिद, जूही खान, मोनिका, रेशमा, तरन्नुम, फरमान शेख, दिलकिस, एवरीथिंग इन लाइफ, साहिबा, आयशा खान, गौस, उपांसी, शाशा, पिंकी गुप्ता, नसरीन नाज, सदफ खान, तनवीर बेगम, अफरोज, नगमा परवीन, कैप्स डेली ब्लॉग, सलोनी फातिमा, जिंदा दिल पाक ब्लॉग्स, फरीन, हिना, नवील मोहम्मद, कुक विद रूमा, रोहिल, रेशमा, जमाल, सैयद हसन, मिसवा खान, रीना राजपूत, बुशरा, अफसार शेख, सूफी सभा, सीमा बेग, ज्योति नागर, राखी, मुस्कान, हिना, आशिया परवीन, कामरान अहमद, क्वीन वर्ड, अजवाद, हैदर, जावेद नवाज। तो जी आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानी को जल्द से जल्द दूर करे। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।